हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, यदि आप भी गूगल फोटोज़ के लॉक फोल्डर में अपनी फ़ोटो को रखे थे और वो फ़ोटो डिलीट हो गई हैं और अब वो फ़ोटो आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट फ़ोटो थी आपकी, तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कैसे करना है। क्योंकि मैं खुद इस रिगार्डिंग काफ़ी परेशान हुआ और मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर खुद एक फ़ोटो और ऐड करूँगा। यहाँ पर एक फ़ोटो ऑलरेडी ऐड है, एक फ़ोटो ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे, और मैं दोस्तों एक गैलरी की फ़ोटो को ऐड करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैमरा की जो मेरी फ़ोटो है, इस फ़ोटो को मैं ऐड करूंगा लॉक फोल्डर में। और दोस्तों, जब लॉक फोल्डर में कोई फ़ोटो आप ऐड कर देते हो तो वो फ़ोटो गैलरी से भी हट जाती है, लॉक हो जाती है। अगर आप लॉक फोल्डर से हटाओगे नहीं वो फ़ोटो को, और यदि आपने गूगल फोटोज़ को अनइंस्टॉल कर देते हो या फिर फ़ोन रिसेट कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, गूगल फोटोज़ का डाटा क्लियर कर देते हो, तो दोस्तों ये फ़ोटो आपके परमानेंटली डिलीट हो जाती है, यानी कि आपके यहाँ से नहीं मिलती है। यानी कि आप गैलरी से, जैसे हम इसको लॉक कर देंगे तो ये गैलरी से तो हट जाएगी, और दोस्तों अगर लॉक फोल्डर में आपने लॉक करके रखा था तो दोस्तों वहाँ से अगर डिलीट हो गई है तो इस वीडियो कंप्लीट देखिए, तो दोस्तों आपको अपनी फ़ोटो वापस करने की सारी प्रोसेस पता चल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, इस फ़ोटो को मैं लॉक करने वाला हूँ। यहाँ पर गूगल फोटोज़ पे चलेंगे और लॉक फोल्डर में जाकर लॉक करेंगे। यदि आपको नहीं पता लॉक फोल्डर कहाँ पर है, वैसे अगर आपकी फ़ोटो लॉक थी तो आपको तो पता ही होगा लॉक फोल्डर कहाँ पर होता है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर यूटिलिटीज़ पर आएँगे और यहाँ पर सबसे नीचे लॉक फोल्डर का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर आप लॉक फोल्डर में पहुँच जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने प्लस साइन आता है, यहाँ पे हम प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं टुडे ये हमारे आज ही फ़ोटो खींची है, तो हम इस फ़ोटो को लॉक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आइटम्स इन लॉक फोल्डर्स कांट बी एंड विल स्टॉप बींग बैक्ड अप अथवा शेयर्ड। आप इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम जो है कुछ भी एक्टिविटीज़ में नहीं कर सकते जब तक कि हम इसको मूव नहीं कर लेंगे, नहीं जब तक हम इसको यहाँ से हटा नहीं देंगे लॉक फोल्डर से। तो दोस्तों अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी इसके साथ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं हम गैलरी पे आते हैं, तो अब यहाँ से वो फ़ोटो जा चुकी है आपके सामने, मैंने इसको करके दिखाया, यहाँ से वो फ़ोटो जा चुकी है। अब हम आएँगे गूगल फोटोज़ में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे दो फ़ोटो हो चुकी हैं। अब इन फ़ोटो को हम डिलीट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रोसेस आपने भी कर रखी होगी। अब किसी वजह से आपकी सारी फ़ोटो डिलीट हो गई हैं, मान लीजिए वो आपकी इंपॉर्टेंट फ़ोटो थी, तो दोस्तों अगर वो डिलीट हो गई हैं तो अब आपको क्या करना है, क्या स्टेप फॉलो करने हैं, सभी अब यहाँ से आपका मिशन चालू हो जाता है। अब आपको सभी स्टेप्स को कम्प्लीटली देखना है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब आप देख सकते हैं, अगर आप इनको मूव करते हैं तो आपकी जहाँ की फ़ोटो आपने यहाँ पर लाया था तो वहीं पर ये चली जाएंगी। और दोस्तों यदि आप मूव नहीं करना चाहते हैं, बट दोस्तों मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि अगर डिलीट हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिलीट हो जाती है, तो यहाँ पर लिखा है डिलीट टू आइटम परमानेंटली, दिस कैन नॉट बी अनडन। बट दोस्तों इसकी क्या प्रोसेस है रिकवर की, तो मैं इस पर दिखाने वाला हूँ, आप देखिए कम्प्लीटली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ परमानेंटली, यहाँ से जो भी फ़ोटो डिलीट हो जाती है वो परमानेंटली डिलीट हो चुकी है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, अब आपको चाहिए अपनी फ़ोटो वापस, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको यहाँ पे ऊपर थ्री लाइन दिख रही है, यहाँ पर आपको जाना है, हेल्प एंड फीडबैक ऑप्शन दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ से ही मेन प्रोसेस चालू हो जाती है आपकी लॉक फोल्डर के रिगार्डिंग, जो आपको हेल्प चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब इसके अलावा गूगल फोटोज़ के लॉक फोल्डर में यदि आप कुछ रख देते हो और यहाँ से डाटा क्लियर कर देते हो या फिर अनइंस्टॉल कर देते हो गूगल फोटोज़ ऐप को, या फिर दोस्तों किसी रीज़न की वजह से लॉक फोल्डर्स की कोई फ़ोटो डिलीट हो जाती है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि आप यहां से उस फोटो को रिकवर कर पाओगे। क्योंकि आप देख सकते हो कि सामने मैं दिखा देता हूं, यहां पर बिन का ऑप्शन है, बिन में कुछ भी नहीं है, बिन में बस एक फ़ोटो पड़ी हुई है, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ये मेरे काम की नहीं है। तो दोस्तों यहां पर कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ एकदम से एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपके बिन में। अब मैं चलता हूँ लॉक फोल्डर में, और लॉक फोल्डर में जो हमारी फ़ोटोज़ थी तो उनको रिकवर करने की प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पर आप अपना लॉक खोल लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ खाली हो चुका है फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करना है, अब देख सकते हैं हेल्प एंड फीडबैक। अब बस ये लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास कि आप गूगल सपोर्ट टीम से बात करेंगे। मैं आपके सामने गूगल सपोर्ट टीम से बात करूँगा और वहाँ से जो हमें हेल्प मिलती है तो दोस्तों उसको मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ, और आप भी इसी तरह से करिए, हो सकता है जो मुझे हेल्प मिली आपको भी चीज़ मिल जाए मदद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक पर आएँगे तो फ्रेंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस यानी कि कुछ नोटिस दे रहा है। यहाँ पे हाइड योर सेंसिटिव फोटोज़ एंड वीडियोज़, यू कैन सेव सेंसिटिव फोटोज़ एंड वीडियो टू बी अ फोल्डर प्रोटेक्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ कि जो भी लॉक फोल्डर में आप फोटो वीडियो रख देते हो वो स्क्रीन लॉक के थ्रू यहाँ पर लॉक हो जाती है, केवल आप ही देख सकते हो, जिसको पासवर्ड पता है, जिसके पास एक्सेस है वही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता, ठीक है। तो यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, हमें करना है अपनी फ़ोटो को रिकवर, तो उसके लिए क्या बता रहा है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक करना है।
दोस्तों ये चीज़ आपको कोई भी YouTube पर ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। जब मैंने इस पर रिसर्च किया कंप्लीट और जो मैं यहाँ से रिजल्ट मिला है मुझे, तो वो चीज़ आपको भी पता चल जाए ताकि आप इन फ्यूचर भटकना ना पड़े आपको कि आप अपनी फ़ोटो रिकवर करने से रिगार्डिंग यदि आप कोई दूसरा और वीडियो देख रहे हो तो आपको देखना ना पड़े। कंप्लीट रिसर्च करने के बाद जो जो चीज़ें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी रिकवर करने की, मैंने सब कुछ ट्राई किया है। यहाँ पर देख सकते हैं सेंड फीडबैक पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि शेयर आर्टिकल्स आप आर्टिकल शेयर नहीं कर रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लियर नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं करना, हम सेंड फीडबैक, हमें फीडबैक अपना शेयर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल्स फीडबैक टू गूगल, तो सेंड फीडबैक टू गूगल, आप गूगल को अपना फीडबैक देंगे, आप क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, और दोस्तों यहाँ पे सब कुछ लिख देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया हाउ टू रिकवर डिलीटेड फोटोज़ फ्रॉम लॉक फोल्डर, हम लॉक फोल्डर से डिलीट फोटोज़ को कैसे रिकवर कर सकते हैं, हमारा ये इशू है। यहाँ पे कुड यू डिस्क्राइब योर इशू अथवा सजेशंस, आप अपना सजेशंस दे सकते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है आपके लॉक फोल्डर की फोटो वीडियो को रिकवर करने की, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप एक हेल्प ले सकते हो भी गूगल सपोर्ट टीम से, और मैं आपको सारी चीज़ क्लियर भी करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जैसे इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, रिकवर माई डिलीटेड फोटोज़ फ्रॉम लॉग्ड। तो यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग आप हेल्प लेना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप टू रिकवर माई लॉग्ड फोल्डर्स गूगल फोटोज़, तो आप गूगल फोटोज़ के तो इसका लेना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप जिस रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हियर आर सम आर्टिकल्स दैट माइट हेल्प, यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने में, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद आपको किस तरह से रिजल्ट निकल के आता है। हाउ टू रिकवर माई डिलीटेड फोटोज़ फ्रॉम लॉक्ड फोल्डर, यहाँ पर लिखा सर माई गूगल फोटोज़ लॉक्ड फोल्डर पिक्चर्स इन डिलीटेड, सर प्लीज़ हेल्प मी टू रिकवर माई इंपॉर्टेंट पिक्चर्स, प्लीज़ सर हेल्प मी, आई एम बिगिंग यू सर प्लीज़ हेल्प मी टू रिकवर माई लॉक्ड फोल्डर डिलीटेड फोटोज़। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने पुट ऑन किया है, वहाँ पर सेलेक्ट किया क्वेश्चन को और मैंने सेंड किया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टेप मैं फॉलो किया हूँ बस वही आपको स्टेप फॉलो करते हुए आना, जो मैंने क्वेश्चन पे लिखा था आपको वही चीज़ लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रिकवर फोटोज़ एंड्रॉयड डिटेल, तो दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ आई हैव द सेम क्वेश्चन, अगर आपके पास भी सेम क्वेश्चन है, यही वाला सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको यहाँ पर आई हैव सेम क्वेश्चन यहाँ पर कर देंगे, तो देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा कम्युनिटी का। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम जैसे इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे सब्सक्राइब हो गया है, यानी कि इसको आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप सब्सक्राइब रहने दीजिए, क्योंकि अगर इस रिगार्डिंग्स अब गूगल के पास क्वेश्चन चला गया है, अगर अब इस रिगार्डिंग कोई हेल्प होती है, इस रिगार्डिंग कोई हेल्प मिलती है दोस्तों गूगल के पास, तो दोस्तों वो ज़रूर आपकी फ़ोटो को रिकवर करने पर हेल्प करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सक्राइब हो चुका है क्वेश्चंस, अब जैसे यहाँ से कुछ भी हमें आंसर मिलता है, हेल्प मिलती है, तो हमें जो है इससे रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप अनसब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, अगर इससे रिगार्डिंग कुछ भी अगर हेल्प होती है गूगल फोटोज़ के पास, कुछ भी अगर हेल्प आपको हो सकता है मिल सकता है, तो यहाँ से ही आपको आंसर मिलेगा कि अब क्या करना है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है, इसने अगर बताया जाए तो अबाउट द लॉक फोल्डर्स रीड मोर, आल्सो नोट दैट इफ़ यू अनइंस्टॉल द फोटोज़ ऐप अथवा क्लियर योर गूगल फोटोज़ ऐप डाटा, यू विल लूज ऑल आइटम्स इन योर लॉक्ड फोल्डर, टू सेव दीज आइटम्स रिमूव देम फ्रॉम लॉक्ड फोल्डर्स बिफोर यू मेक चेंजेस। दोस्तों अगर आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं गूगल फोटोज़ ऐप में, लाइक आप उससे अनइंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले लॉक फोल्डर में जो भी फोटो वीडियो रखे हुए हैं उन्हें आप मूव कर लीजिए, रिमूव करिए वहाँ से लॉक फोल्डर से, तो अपने नॉर्मल पोजीशन में नॉर्मल जहाँ पर थी वो फोटो वहाँ पर चली जाएंगी, जिसके थ्रू आपके लॉक फोल्डर में रखी हुई फ़ोटो डिलीट नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने इसीलिए बोला था जो हमें रिजल्ट मिला बस यही रिजल्ट मिला कि दोस्तों यहाँ से हमारी जो फ़ोटो होती हैं गैलरी से भी आ चुकी थी, गैलरी से हमने जो बैकअप बना लिया था गूगल फोटोज़ में उस फोटो का जैसे मैंने लॉक कर दिया तो गैलरी से भी हट गई और गूगल फोटो से भी हट गई, लॉक फोल्डर में आके कम्प्लीटली लॉक हो गई। अब दोस्तों वहाँ पर लॉक फोल्डर बना ही इसलिए सेंसिटिव फोटो के लिए, जो आपकी पर्सनल फोटो है, मतलब बहुत सिक्योर है ये, यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर रख रहे हो, अगर आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो गूगल फोटोज़ में, लाइक आप कुछ भी कर रहे हो चेंजेस, लाइक डिलीट कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, क्लियर डाटा कर रहे हो, तो लॉक फोल्डर से अपनी फोटो को जो इंपॉर्टेंट फोटो उन्हें पहले मूव करिए, तो उनको पहले मूव करिए वहाँ से, लॉक फोल्डर से रिमूव कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता मैंने बनाया इस पर वीडियो, आप उसको जाकर देखिए। तो दोस्तों पहले आप रिमूव कर देंगे, जैसे ही बाहर कर देंगे लॉक फोल्डर से, तो फिर दोस्तों आप जो है आपकी फ़ोटो सेफ रहेंगी, डिलीट नहीं होगी, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप कन्वर्सेशन अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं,
कि अगर किसी ने और भी बात किया होगा तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं आपकी जो भी कमेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कमेंट ऐड कर सकते हैं बस, और कुछ भी यहाँ पे हमें हेल्प मिला नहीं है। नहीं दोस्तों हेल्प मिला है, और तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, बट दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो फ्रेंड, आप कंप्लीटली क्लियर हो जाओगे कि ये फोटो जो है आपकी जो लॉक फोल्डर की है वो वापस तो नहीं आएगी। बट दोस्तों आप यदि गूगल फोटोज़ को डिलीट करते हो तो दोस्तों आपको वो फोटो मिल जाएगा, वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि वो कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना कहाँ पे है, यहाँ पर आप आएंगे बिन में, बिन में आएंगे यहाँ पर अगर कोई फ़ोटो आप डिलीट करते हो गूगल फोटोज़ की, दोस्तों आपको यहीं पर मिल जाएगी वो फ़ोटो। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये फ़ोटो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मूव टू बिन हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर कोई और फ़ोटो होती है, जैसे कि कुछ भी है अगर और फोटो है, तो वो फिर आपको नहीं मिलेगी। जैसे देख सकते हैं बिन में तो ये फ़ोटो हमें मिल गई है, बट दोस्तों अगर कहीं और से डिलीट होती है तो फिर दोस्तों वो आपको नहीं मिलेगी। अगर लॉक फोल्डर से डिलीट होती है तो, अगर दोस्तों लॉक फोल्डर से डिलीट होती है तो वो नहीं मिलेगी। तो लॉक फोल्डर में अगर कुछ भी रखे हो आप, तो पहले उसको आप मूव करिए, उसको रिमूव करिए। मैंने बताया है आपको वीडियो में ही दिखाया किस तरह से आप उसको हटाते हैं, किस तरह से रिमूव करते हैं। अदरवाइज़ आप फिर से देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर फोटो में क्लिक कर लेता हूँ, कोई भी एक फ़ोटो को लॉक फोल्डर में ले जाता हूँ, यहाँ से एक फ़ोटो को मैं लॉक फोल्डर में ले जाता हूँ, और लॉक फोल्डर से फिर दोस्तों उसको मैं हटाने की प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको। मूव टू लॉक फोल्डर से यहाँ करेंगे, यहाँ पर मूव कर देंगे। अब देख सकते हैं लॉक फोल्डर में मूव हो रही है। प्रॉब्लम विथ कनेक्टिंग, तो यू नीड टू इंटरनेट कनेक्शन, तो हमें अभी इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा अपना। तो फ्रेंड यहाँ पर लॉक फोल्डर में मूव हो चुकी है, जैसे यूटिलिटीज़ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक्ड फोल्डर है। अब लॉक्ड फोल्डर में आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे लॉक है, ये देख सकते हैं लॉक है। अगर इसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कैसे करना, मूव पर क्लिक करेंगे, मूव कर देंगे। अब होगा क्या फ्रेंड कि अब आपकी फोटो यहाँ से लॉक फोल्डर, कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है अगर ऐसा मिसहैपनिंग होता है गूगल फोटोज़ के साथ, तो दोस्तों लॉक फोल्डर में रखी हुई फोटो आपकी डिलीट नहीं होगी। आप अपने जहाँ की फोटो होगी वो वहीं पर चली गई है। तो इस तरह से आप अपने लॉक फोल्डर की फोटो को बचा सकते हो, सेफ रख सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप सेफ रख सकते हो, बट दोस्तों आप लॉक फोल्डर की फोटो को रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। सो थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।